हरिओम। शरीर के अंदर किसी भी किस्म का कोई भी नशा नहीं जाना चाहिए। अब नशा कौन कौन सा होता है? शराब, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, पान मसाला। शराब, कुछ लोग कहते हैं हम शराब पीते नहीं, शराब हमारे घर में रखी हुई है आए गए के लिए। एक गलत फहमी को निकाल देना, मैं बहुत संतों के साथ रहा हूँ, बहुत करीब से रहा हूँ, बहुत संतों का मेरे ऊपर हाथ है, मैं बैठने से पहले इस गद्दी को प्रणाम करता हूँ क्योंकि ये मेरी नहीं है, ये किसी और की है जिसके ऊपर मैं बैठा हूँ। तो मेरे को संतों से एक बात मिली है और वो सच्ची है और अनुभव पे आधारित सच्ची है। मैंने एक नहीं अनेकों लोगों पे परख के देखा है। शराब, जो व्यक्ति पीते हैं उनका पता नहीं क्या हाल होगा, उनको उनके रहम पे छोड़ दो। जिन्होंने अपने घर में रखी है पीते नहीं हैं वो दया के पात्र हैं, उनको तो कुछ बताना पड़ेगा। जो पीते नहीं अपने घर में रखी भी है उनके साथ दो दिक्कतें रहेंगी, और दो नहीं तो एक तो जरूर रहेगी। पहली दिक्कत, उसकी आमदन कितनी भी हो उसका हाथ तंग रहेगा। हाथ तंग रहना अलग बात होती है, आमदन अलग बात होती है। दूसरी दिक्कत, उस व्यक्ति के साथ कोई ना कोई बिना मतलब का क्लेश रहेगा जिसमें उसकी कोई गलती ही नहीं। मकान किराए पे दे दिया, किराएदार छोड़ता नहीं और वो कचहरी के चक्कर लगा रहा है। संत कहते हैं अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि मेरे घर में शराब रखी भी है और मेरे को दोनों में से एक भी दिक्कत नहीं है, तो आप जी समझ लेना भी वो व्यक्ति शराबी भी है और झूठा भी है। नशे छोड़ने पड़ेंगे। नशा खाली शराब, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, पान मसाला ही नहीं होता, इसके ऊपर लिखा रहता है पीना सेहत के लिए नुकसानदायक है। पीने वाला छुपके ही पीता है अपने आप समझ जाएगा। कुछ ऐसे नशे हैं जिनको हम नशा नहीं समझते लेकिन है नशा। चाय, चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, चाय कॉफ़ी का नशा भी बीड़ी सिगरेट शराब से कम नुकसान नहीं करता है, इसको भी छोड़ना पड़ेगा। आपको सिर दर्द हो उसका इलाज मैं करूंगा कल, चाय छोड़ने से। अगर सिर में दर्द हो, अगर नींद ना आए, अगर आलस आए, अगर शरीर टूटे, आपको भूख ना लगे, कोई समस्या आपको आए, उसका इलाज बताना मेरा काम, छोड़ना आपका काम। मैं व्यापारी नहीं हूँ और इस धंधे में मैं व्यापार नहीं करता। मेरे को आपकी संख्या नहीं चाहिए। मेरे गुरुदेव जी ने इस मिशन को निशुल्क इसलिए रखा कि हम अपनी बात को साफ साफ बोल सकें। आप मेरी बात को मानना या ना मानना, मेरे को आपकी संख्या से कोई परवाह नहीं, लेकिन ये बात 100% सत्य है, अगर आप कोई भी नशा करोगे तो आपको यहाँ से जो भी बताया जाएगा उससे आपके अंगों को आराम नहीं मिलेगा, आपको पूरा लाभ नहीं होगा, थोड़ा बहुत लाभ, जैसे रक्षा ले ली रक्षा चलाने वाले ने, नहीं, थोड़ा बहुत लाभ आप ले सकते हैं लेकिन जीवन नहीं बदल सकता। जीवन बदलने के लिए आपको ये सारे नशे छोड़ने पड़ेंगे। चाय कॉफ़ी शरीर में कैसे नुकसान करती है जरा देख लेते हैं। 5 किलो दूध लीजिए, उसमें से मक्खन निकालें, लगभग कितना निकलेगा,
आधा किलो मान लेते हैं। 5 किलो दूध में 2 चम्मच चाय पत्ती के डाल के उबाल दीजिए और फिर मक्खन निकालें, कितना निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो आपका आधा किलो मक्खन कहाँ गया बताओ? दिन भर में जितने भी आप विटामिन खाएंगे, जितने भी आप दूध पिएंगे, जितने भी आप काजू पिस्ते बादाम खाएंगे, जितने भी आप फल सब्जियां खाएंगे, उससे आधा किलो मक्खन जितनी शक्ति शरीर में आ जाएगी क्या? नहीं। अगर 2 कप चाय के पी लिए तो आपका सारा मक्खन चाट जाएंगे। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आपके घुटनों की गरीस कहाँ गई? उत्तर आपसे चाहता हूँ। हैं? चाय लेगी, अब चाय बंद नहीं करेंगे तो फिर दवाई खा सकते हैं। तो फिर घुटनों का दर्द बंद करने के लिए आप दवाई खा सकते हैं, उधर आपका स्वागत है। और वो लोग भी आपकी सेवा के लिए हैं, वो हमारे विरोधी नहीं हैं, वो हमारे सहयोगी हैं। जो दवाइयाँ देते हैं, जो ऑपरेशन करते हैं, वो हमारे सहयोगी हैं, वो भी हमारी तरह सेवा कर रहे हैं। कैसे? जो बेचारे इस बात को नहीं मान पाएंगे, उनको भी तो कुछ वर्ष रहना है, औखे सौखे जैसे भी रहना है, उनको संभालने के लिए, उनको रखने के लिए, ताकि उनको ज़्यादा परेशान ना होना पड़े, जैसे तैसे जीवन कट जाए, वो व्यक्ति आपकी सहयोग के लिए उपलब्ध हैं। हमारा बचा हुआ काम जो हमारे से नहीं बन पाता, हम हाथ खड़े कर देते हैं, उनको वो संभाल लेते हैं, इसलिए हैं तो वो भी हमारे भाई ही। गलती कहाँ है? गलती इधर भी नहीं है, गलती उधर भी नहीं है, फैसला आपने करना है। चाय छोड़ के इधर आ जाओ, चाय पी के उधर चले जाओ। अब क्या करना है विचार? मेरे को जो व्यक्तियों ने इस सुंदर प्रोग्राम का आयोजन कराया है, उनको एक उपहार देना है, और उपहार मैं आप सबके सामने देना चाहता हूँ। उसमें से सतपाल सरपंच जी हैं, राजेंद्र कुमार फ्रूट वाले हैं, आगे आ जाइए जल्दी जल्दी, समय की कमी है, जिनके नाम नहीं लेता वो भी आ जाइए। प्रेम गुप्ता जी हैं जिन्होंने सहयोग किया, लॉयंस क्लब नियाल है उसके सदस्य हैं, मास्टर नाहर सिंह जी आइए, 2 दफ़ा मेरे पास दिल्ली भी आ चुके हैं जी, सुशील मित्तल जी, हरिदास जी, जसपाल मिट्टा जी, राकेश बांसल जी, लॉयन प्रवीण कुमार जी, लॉयन प्रितपाल ककड़िया जी, श्री भीम कांसल, श्री देशराज शर्मा, श्री अशोक गोयल, श्री अशोक सिंघला, शिव जी, डिंपल मित्तल जी, सुनीता मित्तल जी, एक दो नाम मैं ले देता हूँ अपनी मर्जी से, श्री तरशेम चंद जी मेरे आइए। कुछ कारण है आप लोगों को जो मैं आप जिनके नाम मैं अपनी मर्जी से ले रहा हूँ, उनका कारण भी बताऊँगा। श्री दुर्गादास जी, श्री मदन लाल जी सिंगला जी, कुछ विशेष कारण है। हाँ जी, अभी हमारी बात चल रही थी कि हम चाय को छोड़ेंगे। एक मंदिर भगवान बनाता है, मेरे साथ रहो, एक मंदिर भगवान बनाता है और एक मंदिर इंसान बनाता है। जो इंसान मंदिर बनाता है वो कहाँ पर है? जो इंसान मंदिर बनाता है उसमें हम रोज जाते हैं पूजा करने, और जो मंदिर भगवान बनाता है वो कहाँ पर है? यहाँ पर है। इंसान के बनाए हुए मंदिर में गंदी चीज़ें डालेंगे, इंसान के बनाए हुए मंदिर में को गंदा करेंगे तो सजा शायद अगले जन्म में मिलेगी,
अगर भगवान के बनाए हुए मंदिर को गंदा करेंगे, इसके अंदर गंदी चीजें डालेंगे, तो सजा किस जन्म में मिलेगी? उत्तर आपसे चाहता हूं। इसी जन्म में मिलेगी, ये पक्की बात है। अगले जन्म में तो नहीं मिलेगी, इसी जन्म में मिलेगी। तो आज के बाद दो चीजों के लिए संकल्प कराऊंगा, इसके आगे संकल्प नहीं कराऊंगा। नॉनवेज मीट अंडा मांस, शराब, बीड़ी सिगरेट तंबाकू, चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक, जो व्यक्ति छोड़ने के लिए तैयार हैं हाथ खड़े कीजिए। जिन व्यक्तियों को मैंने खड़ा किया है इधर, इस सुंदर हाथ खड़े रखिए, मैं खड़ा रखा है, मेरे साथ खड़ा रखिए, जब मेरा हाथ नीचे जाएगा तो आपका हाथ नीचे जाएगा। इस सुंदर प्रोग्राम का आयोजन कराने के लिए, मैं उपहार देने के लिए दिल्ली से नहीं लेके आया हूं। ये जितने व्यक्तियों ने हाथ किए खड़े किए हैं, इतने मंदिरों का निर्माण किया है आज आपने, और इससे बड़ा उपहार मैं आपको दे नहीं सकता। एक व्यक्ति अगर नशा मुक्त हो जाए तो एक मंदिर के निर्माण करने के बराबर है। आज कितने मंदिरों का निर्माण हो गया आप देख सकते हैं। आप बैठ सकते हैं। तो कुछ व्यक्तियों का नाम मैंने लिया था, ये मेरे रिश्तेदार हैं, मामा जी हैं, भाई हैं, संबंधी हैं, कुछ रह भी गए होंगे। तो इनका नाम मैंने क्यों लिया? क्योंकि इस मिशन को कामयाब करने के लिए इनका सहयोग मेरे साथ बहुत जरूरी है। जब इनके घर में शादी होती है, जब इनके घर में दुख सुख होता है, मदन लाल सिंगला जी के घर में कुछ दुख हुआ, मैं आ नहीं पाया, तो मैं यहाँ होता हूँ आपके बीच में। तो इन लोगों की सेवा है या नहीं मेरे साथ, बताओ? है ना? अगर ये मेरे को इजाज़त ना दें, अगर मेरे को फ़ोन करें, अगर आप ना आए, मैं नाराज़ हो जाऊँगा, आप प्रोग्राम को छोड़ दो, जहाँ आ जाओ, तो मेरे मन की हालत कितनी अच्छी रहेगी? अगर मेरे मन की हालत अच्छी नहीं रहेगी तो यहाँ मैं ठीक ढंग से बोल पाऊँगा क्या? तो इन लोगों का सहयोग है या नहीं? हाँ, तो इसलिए जितने भी मेरे साथ किसी भी तरीके से जुड़े हुए हैं, उनका सभी का मेरे साथ सहयोग है। आप लोग बुढ़लाडा से, डबवाली से, सुनाम से, लहरागागा से, जगह जगह से आते हैं, लेकिन आप लोगों के घर में भी कोई शादी हो, आपका कार्ड आए, तो मैं आ सकता हूँ क्या? संभव नहीं है। इसलिए आप लोगों को मिशन के साथ चलना पड़ेगा, समाज को साइड पे रखना पड़ेगा। मिशन में हम तभी कामयाब होंगे। तो आइए, दो चीज़ों के लिए हम संकल्प कर चुके कि आज के बाद इस शरीर के अंदर ना तो कोई नशा जाएगा और ना मांस अंडा जाएगा। तो फिर तीन चीज़ें और हैं जिनके लिए, जो शरीर को नुकसान पहुँचाती हैं, लेकिन उनके लिए मैं आपको बांधूंगा नहीं। वो किसी मजबूरी में, किसी विशेष परिस्थिति में आप कभी ले सकते हैं। सफ़ेद चीनी हमारी हड्डियों को और दांतों को नुकसान पहुंचाती है। वनस्पति घी और जितने भी मार्केट में रिफाइंड घी तेल मिल रहे हैं, वो सफ़ेद चीनी के विकल्प के रूप में आप बिना मसाले का गुड़ इस्तेमाल कर सकते हैं। और वनस्पति रिफाइंड घी के विकल्प में आप सरसों, मूंगफली या तिल का तेल अपना निकलवा के इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया है कच्चे नारियल की गिरी, ये सूखा खोपा नहीं है, गोला नहीं है, कच्चे नारियल की गिरी, ये सबसे बढ़िया घी है, तेल है, चिकनाहट है। इसको कैसे इस्तेमाल करना है आपको बताऊंगा। और अगला गलत पदार्थ है डिब्बा बंद, बोतल बंद, पैकेट बंद, होटलों के, ढाबों के, रेस्टोरेंट के, बाजार के पके हुए खाने, फास्ट फूड, जंक फूड। इनके अंदर प्रिजर्वेटिव्स होते हैं ताकि सुरक्षित रह सकें, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। इनके अंदर केमिकल होते हैं, इनके अंदर रंग होते हैं।
हम ऑरेंज कुल्फ़ी खाते हैं, दो चुस्कियाँ लेते ही मुँह ऑरेंज रंग का हो जाता है, एक दर्जन ऑरेंज खाने के बाद भी मुँह ऑरेंज रंग का नहीं होता। हमारे कोल्ड ड्रिंक में ऑरेंज का फ्लेवर है, फ्लेवर नहीं। केसर के लड्डुओं में केसर का रंग है, केसर नहीं। और गुलाब जामुन में ना गुलाब है ना जामुन। रियल जूस में रियल जूस है क्या? अगर आप इन चीज़ों को खरीद रहे हैं, अगर आप इन चीज़ों को बांट रहे हैं, अगर आप इन चीज़ों को सहयोग दे रहे हैं, तो आप बुराई का समर्थन कर रहे हैं या अच्छाई का? आप रोग का समर्थन कर रहे हैं या स्वस्थ का या तंदुरुस्ती का? सोचिए, सोचिए। समाज को सोचना पड़ेगा, समाज को बदलना पड़ेगा, नेचर क्योर को फैशन बनाना पड़ेगा। फैशन कैसे? फैशन जैसे सिगरेट पीड़ी हम छुप छुप कर पीते हैं, ऐसे ये चीज़ें भी छुप छुप कर खाएं, इनको सामाजिक तौर पे बांट ना पाएं, इनको शरेआम हम कार्डों के साथ बांट ना पाएं। जब तक ये सोच समाज की नहीं बदलेगी, समाज नहीं बदल सकता। और हमारा ये प्रयास कितना रंग लाएगा ये समय बताएगा। और ये प्रयास कहाँ से शुरू हुआ है? आप सौभाग्यशाली हैं, पूरे वर्ल्ड के अंदर आज ये प्रचार है, केयर वर्ल्ड टीवी के चैनल के ऊपर 2 साल से रेगुलर आ रहा है। हिंदुस्तान का कोई ऐसा कोना नहीं जहाँ ये शिक्षा नहीं पहुँची। और वहाँ पर जब बात चलती है कि मोहनलाल जी कहाँ के रहने वाले हैं, तो आप कौन हो? आप कौन हो? सोचो, सोचो, सोचो। तो अगर आप ही मेरा साथ नहीं देंगे, तो फिर दुनिया कैसे साथ देगी? और कहीं भी मैं बोलता हूँ, मेरी भाषा के अंदर लोग पकड़ ही लेते हैं, आपकी बात के अंदर टोन है पंजाब की, आप पंजाब के रहने वाले हैं। और अगर पूछे कि कहाँ के रहने वाले हैं, तो चंडीगढ़ बताऊँगा, झूठ बोलूँगा? तो पातड़ा मंडी ही बताऊँगा। तो इसलिए आप मेरा सहयोग कीजिए इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए। आइए, घड़ी की सुई मेरे को साथ साथ दिखती है, बोलने के लिए बहुत कुछ है। अगर आप इसी तरीके से 3 घंटे मेरे सामने रोज़ बैठो और 1 महीने तक बैठो, तो मेरी बातें खत्म नहीं होने वाली। अधिक जानकारी के लिए हमारे पुस्तकों इत्यादि का अध्ययन करें एवं परामर्श हेतु प्रत्येक रविवार प्रातः 7 बजे से 10 बजे तक हमारी निशुल्क कक्षा में भाग ले। निशुल्क शिविरों के आयोजन करवाने हेतु एवं अन्य सामग्री, पेट की पट्टी, DVD, MP3, एनीमा, स्पाइनल बार टब इत्यादि के लिए संपर्क करें। हमारा पता है नेचुरल लाइफस्टाइल, H32/22, Sector 3, रोहिणी, नियर विश्राम चौक, दिल्ली 110085। हमारे फ़ोन नंबर हैं 011-2751-0771, 09953722272।